जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं योगेश मिश्रा आप सभी का दैनिक रोजगार समाचार प्लस अमर उजाला की महत्वपूर्ण खबरों में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम टीजीट पीटी 27,000 नई भर्ती विज्ञापन, एलटी ग्रेड 12,000 नई भर्ती, साथ ही 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता समेत अन्य भर्तियों की बात करेंगे जिसके ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे। यूपी समेत 5 राज्यों में लौटा रात्रि कर्फ्यू। ये कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। ओमिक्रॉन पर अलर्ट किया गया है। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कि छात्रों की बहुत ही बड़ी यहां पर जीत हुई है। प्राथमिक शिक्षक के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी गई है कि देख सकते हैं कि एससी ओबीसी वर्ग के 6,000 अभ्यर्थी जनवरी में बनेंगे शिक्षक। और यहां पर कहा गया है कि चुनाव से पहले नाराजगी दूर करने की कवायद की गई है। सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को दूर किया गया है। और यहां पर जो है नए अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। 17,000 और पदों पर होगी भर्ती, और जिसके लिए यहां पर देख सकते हैं कि कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद में 17,000 सहायक अध्यापकों की नई भर्ती की जाएगी। और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कि यूपीपीएससी की तरफ से एक और भर्ती का विज्ञापन यहां पर जारी कर दिया गया है, और जिसके लिए यहां पर विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी गई है। और जो है ये डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पर इसमें सिलेक्शन होगा। यूपी आयुष यूनानी विभाग में है। नेक्स्ट एक और यहां पर विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ही। ये भी सीधी भर्ती है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और ये सभी विज्ञप्ति आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक है कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो साथियों यहां पर आप देख सकते हैं कि चुनाव के वजह से लगातार यहां पर एक के बाद एक जो विज्ञापन है वो जारी किया जा रहा है। और नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कि ग्रेड बीसी के पदों पर भी मांगे गए आवेदन एसएससी की तरफ से। सीजीएल 2021 के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कि जो है प्रवक्ता के लिए भी जो यहां पर आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं जीआईसी प्रवक्ता के लिए। और यहां पर देख सकते हैं कि प्रवक्ता के 1473 पदों पर पहली बार लिखित परीक्षा से होगी भर्ती, और जिसके लिए कल की डेट में यूपीपीएससी के द्वारा ये विज्ञप्ति भी जारी की गई है। ये विज्ञप्ति आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर, जो कि यूपीपीएससी से ही संबंधित है। देख सकते हैं कि सीधी भर्ती के 972 पदों पर होनी है भर्ती। 15,000 से अधिक आवेदन भी इसके लिए हो चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे टीजीटपीटी 27,000 नई भर्ती विज्ञापन, एलटी ग्रेड 12,000 नई भर्ती विज्ञापन की। और एलटी ग्रेड की भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी यहां पर निकल कर आ चुकी है। उससे पहले यहां पर देख सकते हैं कि टीजीटपीजीटी की 27,000 नई भर्ती विज्ञापन के लिए लगातार यहां पर जो आंदोलन है वो जारी है। साथ ही यहां पर एक और बड़ी खुशखबरी है टीजीटपीजीटी की ही भर्ती को लेकर। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एयरफोर्स स्कूल की तरफ से एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि टीजीटपीटी के ही पदों पर है। और इसके अलावा यूपी टीजीटपीटी 27,000 नई भर्ती विज्ञापन के लिए भी लगातार यहां पर अलग अलग प्रकार से जो कदम है ये उठाए जा रहे हैं। और यहां पर पूरे पूरे चांस है कि जल्द ही इसका भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की जीत हुई है, उसी प्रकार से अगर लगातार यहां पर जो है अनवरत धरना प्रदर्शन चालू रहा, लगातार छात्रों का प्रयास जारी रहा, तो जल्द ही टीजीटपीटी 27,000 पदों पर भी विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं साथियों कि एलटी ग्रेड की नई भर्ती के लिए यहां पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी जा चुकी है, और जिसमें 1947 नए पदों के सृजन के लिए यहां पर ये नोटिस जारी की गई है। और यहां पर देख सकते हैं कि शिक्षण शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद सृजन किए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है, और जिसमें 1947 नए पद सृजन किए जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं कि 78 राजकीय विद्यालय में यहां पर सहायक अध्यापक के 7 पद, प्रवक्ता के 10 पद, कनिष्ठ सहायक के 2 पद, इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के भी यहां पर जो पद है वो देखने को मिलेंगे। और जो है इस प्रकार से ये नोटिस जारी की गई है। ये नोटिस भी आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।